बैक टू द चैनल। ये देखो भाई, इसको बोले निंजा निकालने के लिए तो लेके जा रहा स्कूटी। क्यों भाई, कोई मतलब है? अभी हम लोग CBR वर्सेस 900 करने वाले हैं, तुम स्कूटी लेके जा रहे हो यार, बताओ। स्कूटी हैंडल छोड़ के चलाएंगे ना? पक्का? आज का थंबनेल मिल गया हम लोग, ठीक है। फ्लैग एकदम आज और जाएंगे हम लोग, बांट देंगे। इतना फ्लैग लेकर एक्स्ट्रा है क्या? हम तो घर ले जाएंगे। घर ले जाना है, ठीक है, चलो घर ले जाना है। तो अभी भाई चलाएगा अपना CBR और मैं चलाने वाला हूँ भाई अपनी गॉडज़िला को। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई। अभी अपन आ चुके एकदम अच्छे से रोड पे एंड अपने साथ CBR एंड साथ में अपनी गॉडज़िला। तो भाई चलो मचाते थोड़ा एंड थोड़ा तबाही की जाए। यार आप लोग के डिमांड पे लेकर आओ ये वाली रेस। अगर भाई इस वीडियो पे अच्छा आप लोग ने सपोर्ट नहीं दिखाया ना, तो सच्ची बता रहा हूँ, गॉडज़िला पे कभी स्ट्रीट रेस नहीं करूँगा मैं। ऑल्दो काफ़ी ना मज़ा आता है जब ऐसा कॉम्पिटिटर मिलता है, तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था यार, मैं इसे लेकर जब भी निकलता हूँ ना, तो थोड़ा ऐसा कोई बंदा मिलता नहीं साथ में कि बाइक भगा सकूं। बट अभी जब साथ में ऐसे CBR और अपनी ये बाइक है, तो फिर मज़ा तो बहुत आ रहा है। और तो ट्रैफिक है तो थोड़ा अपन संभाल के ही चलेंगे एंड व्हीली वगैरह कुछ नहीं मारना अपने को, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देख सकते हो यार, इसलिए मैंने ट्रैक्शन भी ऑन कर रखा है एंड बाइक को रोड मोड पर डाल दिया है। थोड़ा सा बस खाली रोड मिल जाना, फिर अपन पूरा थ्रॉटल ओपन कर देंगे, बट वैसा रोड मिल ही नहीं पा रहा है अपने को। हद से ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस, लग रहा है ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा अपनी गॉडज़िला पे आज। किधर रह गई भाई CBR? इस वाले ब्रिज पे ना बाइक बहुत ही ज्यादा वॉबल कर रही है यार। लगता है अपन गलत टाइम पे निकल गए यार, बहुत ही ज़्यादा रश है, क्या ही भगाए बाइक को। ये देखो भाई RS वाला चार्ज हो गया।
ऐसे लोग को ना मैं आराम से जाने देता हूँ भाई, कोई मतलब नहीं है पोक करने का बिना मतलब का। सारे के सारे चार्ज हो गए भाई एग्जॉस्ट नोट सुन के। ये देखो भाई FZ वाला भी चार्ज हो गया। तो अभी हमने राइड चेंज किया है एंड आई एम गोइंग टू राइड CBR। यार ये क्या सही मशीन है, मतलब ना ये ओवर पावर्ड नहीं फील हो रही है। पूरा थ्रॉटल ही नहीं खोल पा रहे अपन, बताओ क्या ही खोले ऐसे में थ्रॉटल। ब्रेकिंग बहुत सही है यार, ना बहुत ही मज़ेदार है। सबसे अच्छी चीज़ है ये बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये BS6 वेरिएंट है एंड एकदम सबसे लेटेस्ट वाली और बहुत ही रिफाइंड है मैन। यार 166 चली गई एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, फेयरिंग में ना ब्रेकिंग का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आज तो भाई एकदम तबाही वाली हो गई मतलब स्ट्रीट रेस। और अभी ना देखो ये भी अच्छा हो गया, राइडर भी अपन चेंज कर लिए, तो भाई समझ में आ गया कि दोनों बाइक किस तरह से भाग रही है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा अभी स्पीडोमीटर में। तो गाइस कमेंट करके बताओ यार किस 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 को अच्छी लग रही है भाई ये स्ट्रीट रेस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना चैनल पे। एंड और भी गाइस ऐसे वीडियोस के लिए भाई कमेंट डाउन बिलो। एंड मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में गाइस, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ। ये आज के वीडियो के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। थोड़ा ट्रैफिक फिल्ट्रेशन भी कर ही दी जाए भाई इससे। चलो
यार ना मुझे ना एग्जॉस्ट का बहुत इसमें मिसिंग आ रहा है, हॉर्न मारना पड़ रहा है, लोग को लग ही नहीं रहा कि पीछे बाइक भी है। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, अंटिल देन बाय बाय।